नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मैं आपको आज और कल के मार्केट ओपनिंग के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या कंडीशन बनी थी और क्या कंडीशन बन रही थी, तो वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था। तो चलिए मैं आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों को शायद पता ना हो या कभी आपने चार्ट में गौर नहीं किया हो। पहली चीज़ तो यह है कि मैंने पुराने अपने एक क्लास में बताया था आप लोगों को कि जब भी कभी मार्केट का ट्रेंड कोई भी ट्रेंड में रहता है, कोई भी ट्रेंड में रहता है मार्केट, तो उसमें उस कंडीशन क्या बनती है कि चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, कंटिन्यूसली 2 दिनों तक मार्केट उसी ट्रेंड में रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली उसी ट्रेंड में रहता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो 2 दिनों तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, कई बार वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी कंटिन्यू, 3 से 5 दिन भी रहता है। ठीक है, पर 2 दिन का सेफ्टी है, 3 से 5 दिन का सेफ्टी नहीं है। कई बार वो तीसरे दिन अपने दूसरे ट्रेंड में ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। अगर तीसरे दिन ट्रेंड चेंज करने की कोशिश नहीं करता है तो फिर कंटिन्यू वो 4 से 5 दिनों तक उसी ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो अपने पुराने किसी क्लास में मैंने बताया था, मुझे ठीक से याद नहीं, लगता है बैंक निफ्टी के लिए ये क्लास जो है 15वीं क्लास रही होगी, 15वीं क्लास या 14वीं या 15वीं क्लास में मैंने बताया था कि मार्केट का जब भी ट्रेंड जो भी होता है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, साइडवेज है तो साइडवेज। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। आज मतलब कल परसों से मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैंने ये चीज़ तो पकड़ी कि जो भी मार्केट का ट्रेंड रहता है वो एटलीस्ट 2 से 3 दिन, आप देखो यहाँ पे 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब ये 2 दिन हो गए। यहाँ पे ओपनिंग हुई 2 तारीख की, यहाँ पे 3 तारीख को ओपनिंग हुई, 2 दिनों तक कंटिन्यूसली मार्केट क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से इसने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी चौथे दिन, मतलब ये तीसरे दिन 4 तारीख को। इसके बाद 4 तारीख को यहाँ पे जब क्लोजिंग हो गई तो आप देखोगे 7 तारीख को और 8 तारीख को मार्केट 2 दिनों तक, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ 7 को और यहाँ पे क्लोज हो गया 8 को, इसी जगह ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 2 दिनों तक मार्केट क्या था, साइडवेज, एक चैनल में फंसा हुआ था। ये अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 दिनों तक ये डाउन ट्रेंड, 2 दिनों तक साइडवेज, और यहाँ से आप देखोगे तो 2 दिनों तक क्या ये पैटर्न बनाया, डाउन अप। आज का डाउन हुआ, थोड़ा अप गया, लेकिन पूरी तरह कल के जैसे अब नहीं जा पाया। और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ओवरऑल कहना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड 2 दिनों से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, अब आपको दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। ये मैं एक बार हटा देता हूँ, आप जितना पीछे जाते जाएंगे आपको ये ट्रेंड मिलता जाएगा, सेम टू सेम आप लोगों को मिलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 31 तारीख को, ये 31 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे 1 तारीख को ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब ये इसने एक चैनल क्रिएट करा था, एक चैनल के अंदर ही ये फंसा रह गया 2 दिनों तक। अब इसके पहले आप देखो, इसके पहले देखो 2 दिनों तक मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे मार्केट ये 27 तारीख को मार्केट यहाँ पे, ये 27 तारीख हो गई, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब 28 तारीख को, ये 28 तारीख है, 28 तारीख को भी देखिए मार्केट डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में ही था। ठीक है, तो मैंने जो बात बोली आप कितना भी पीछे जाके देख सकते हैं, ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ गलत चीज़ बता रहा हूँ। मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिनों तक तो डाउन ट्रेंड में रहेगा या साइडवेज रहेगा, जो भी ट्रेंड बनाएगा मतलब उस ट्रेंड में वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप 2 दिनों से जो मेरे दिमाग में चल रही थी बात, वो ये चल रही थी कि ये जो मूवमेंट होती है अभी 2-3 दिनों से जैसा हम देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट होती है इसका एक, इसका भी कुछ टाइम होता है। जैसा कि हमको मूवमेंट के टाइम मैंने अपने डायरी में नोट किया था और अपने ग्रुप में डाला भी था, एक टाइम होता है हमारा
9:15, ठीक है, 9:15 से लेके हमारा 10 o'clock तक, एक ये टाइम हो गया। दूसरा टाइम होता है हमारा 10:15 से 11 o'clock, तीसरा टाइम होता है हमारा, ये बीच में कभी कभी बनता है 11:30, 11:30 बजे भी बनता है, लेकिन 11:30 बजे वाला कभी कभी बनता है, ऐसा मैंने देखा नहीं है। दूसरा, फिर तीसरा हमारा बनता है 12:30 to 1:30। आप देखिएगा ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। फिर चौथा मोमेंट हमारा बनता है 2 o'clock to 3:15। और आप, मैं ये टाइम जो एक एक घंटे का बीच में जो अंतराल दे रहा हूँ ना इनमें, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में नहीं बनेगा, लेकिन उसके आसपास का टाइम ज़रूर होगा। जैसे कि 9:15 से 10 बजे मैंने लिखा, तो इस बीच में मतलब वो 9:30 बजे समथिंग हो सकता है, 9:20 पे हो सकता है, 9:35 पे हो सकता है, इसलिए मैंने पूरा 45 मिनट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 45 मिनट ले लिया, यहाँ पे 1 घंटा ले लिया, यहाँ पे 1.25 घंटा ले लिया। तो कहने का मतलब ये जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे बना दिया ना, इस टाइम फ्रेम में आप बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना कि बात सही हो रही कि नहीं हो रही है। इसका भी एक ट्रेंड चलता है, जैसे मैंने बताया कि 2 दिनों तक वो ट्रेंड रहता है ना, इसका भी ट्रेंड चलता है। ट्रेंड कैसे चलता है कि जब भी ये जिस टाइम में मूवमेंट करने लगता है, जिस भी टाइम में मूवमेंट करने लगता है, वो कंटिन्यूसली जो है आप देखोगे तो 2 दिन तक तो रहेगा ही, 2 दिनों तक सेम टाइम पे वो मूवमेंट करेगा। और अगर 2 दिन कंटिन्यूसली रहा, तीसरे दिन भी सेम टाइम में ही उसने मूविंग करा, मार्केट ने मूव किया तीसरे दिन, तो फिर वो उसका बढ़ के चला जाएगा 4 से 5 दिन। मतलब 4 से 5 दिन जो है कंटिन्यूसली मार्केट सेम टाइम में वो मूवमेंट करेगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको ये पता रहता है या पता रहेगा कि भैया मार्केट मान लो 10:30 बजे 10:30 पे हमें एक मूवमेंट देगा, हमें पता है। अभी तक हमें क्या पता था कि मार्केट मूवमेंट कितने बजे देता है, अभी तक की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा ये तो फिक्स्ड है, 9:15 से लेकर हमारा 9:30, ये 9:30 का ये हमारा टाइम 15 मिनट का फिक्स्ड है कि भैया यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहेगा, यहाँ पे मूवमेंट मिलता है, ठीक। दूसरा हमारा टाइम फिक्स है 2:20 का, है ना, 2:20 पे मार्केट हमें 2:20 से लेके 2:40 to 20 मिनट का, ये 2:40 ये हमारा 20 मिनट का, यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। तीसरा फिक्स है ये हमारा 3 PM का, 3 बजे करेक्ट, जो 3 बजे कैंडल बनती है वो 3 से 3:10 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे 3:10। तो ये जो टाइम होता है, इन 3 टाइम में तो मूवमेंट हमको मिलती ही मिलती है, ठीक। अब इसके अलावा ये टाइम मैंने नोट करवाया आपको कि इन टाइम के बीच में, मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टाइम में तो आपको मूवमेंट मिलेगा ही, लेकिन मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट करता है, कुछ पैटर्न क्रिएट करता है कि जिस टाइम में वो मूवमेंट देने लगता है, इन टाइम के अलावा, ध्यान रखिएगा, इन टाइम्स के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, इनको छोड़कर, इन 3 टाइमों को छोड़ के, ये जो टाइम मैंने यहाँ पे 4 टाइम डाले हैं, इनके आसपास आपको मूवमेंट ज़रूर मिलेगी, कुछ ट्रेंड आपको, कुछ पैटर्न मिलेगा ज़रूर। अभी बताता हूँ, अभी आगे चार्ट में आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है। तो जब आपको ये पता रहेगा कि भैया मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है या कितने बजे आएगा, कितने बजे के बीच में आएगा, तो आप अलर्ट हो जाते हो, और वहाँ पे अलर्ट होने के बाद आप पैटर्न देखने लगते हो, ढूंढने लगते हो कि अब कौन सा पैटर्न बन रहा है, मूवमेंट क्या बन रही है, और हमें ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। कुल मिला के आप
अलर्ट हो जाते हो, आप रेडी हो जाते हो, और जब आप रेडी हो जाते हो ना तो आप अच्छा ट्रेड कर पाते हो। एक और चीज़ थी मेरे दिमाग में जो अभी आई तो थी, निकल गई वो बात, याद आएगी तो अभी बता दूंगा 5 मिनट के अंदर। तो ये टाइम फ्रेम के अलावा ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, ठीक, अब चलिए मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें हटा देता हूँ। देखो अगर आज की बात करूँ तो आज मार्केट, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है ये चार्ट। मैटर ये नहीं करता कि आपने उसको चार्ट को 15 मिनट में लगा रखा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है टाइम, टाइमिंग, ठीक है। अब देखो समझो आप, ये अगर आप देखोगे तो ये वाले जो कैंडल बनी है, ये वाली कितने बजे बनी है, 10 बजे, ठीक है। तो अभी जो मार्केट का करंट में, और ये वाली कैंडल 10:15 पे बनी है, ठीक। तो अभी जो करंट का मार्केट में जो मैंने जो फाइंडिंग करी है वो 10 10 बजे समथिंग, 10 बजे से लेके और 10:30 के बीच में ये मोमेंट बनता है, किसी किसी दिन थोड़ा सा वो पहले कर देता है। देखो आप ये वाली कैंडल देखो, और अगर इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेते हो इसी चार्ट को आज के ही उसमें, तो आप देखो कि हमें जो ट्रेड मिला, आप टाइम में, मैं आपको टाइम दिखाना चाह रहा हूँ, ये 10:15 में आप देखो, अगर आपने ये मिस कर दिया 10 बजे वाला, ये वाला ट्रेड मिस, दो ट्रेड बने थे एक साथ ही, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होके थोड़ा नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद ये इस तरह कुछ पैटर्न क्रिएट करता है। जब भी कभी इस तरह का पैटर्न क्रिएट हो तो आप नेक्स्ट ट्रेड ऐसे ले सकते हो, कल शाम को जाते हुए ऐसा कुछ बना था, आप यहाँ पे देखो शाम को मार्केट ने क्या करा था, ऐसा पैटर्न जाते हुए बनाया था, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर गौर से देखेंगे आप, थोड़ा सा मैच कीजिएगा, गौर से देखो आप, क्या ये वाला जो पैटर्न बना है, मतलब ये ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा कपन हैंडल वाला, ठीक, ये बना, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला गया, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो, कल जो दोपहर का टाइम वो ट्रेड मिला था, यहाँ पे भी ऐसी कुछ बनता हुआ आपको नज़र आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे फिर ब्रेक करने के बाद ये मार्केट किस तरह ऊपर गया, तो मैं ये कप एंड हैंडल नहीं बता रहा था, मैं आपको टाइमिंग बता रहा था कि टाइमिंग देखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 बजे की कैंडल, ये वाली हमारी 10 बजे की कैंडल हो गई, और ये हमें यहाँ तक का मूव दिया इसने। नेक्स्ट जो कैंडल बनी यहाँ पे, ये रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनने के बाद आप देखो एक तरफा एकदम जबरदस्त तरीके से ये कैंडल बनी, और इसने इतना लंबा मूवमेंट दे दिया। अब ये तो आज क्या था, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना था, और गवर्नर साहब ने पहले तो ये बोला कि भैया ठीक है हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मार्केट थोड़ा जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था वो मार्केट ऊपर गया। लेकिन अपनी स्पीच में गवर्नर साहब ने लास्ट में, लास्ट के 2 मिनट में जो बोला बैंक से रिलेटेड कि 2,500 करोड़ कुछ ऐसा जाएंगे, ऐसा जो वर्ड यूज किया, तो उस पे क्या हुआ कि पूरा एकदम एकदम से यहाँ से मार्केट धड़ाम हुआ, और एकदम से यहाँ तक का जो हमारा मूवमेंट था यहाँ पे 945 से, मतलब 950 से लेकर और यहाँ पे 500 के लेवल को क्रॉस करके और यहाँ पे 476-80 तक गया, ठीक है। तो मैं मेन टाइम की बात कर रहा था, यहाँ पे आप टाइम देखो इस कैंडल का 10:20। अब आप आगे चलो इसको, मतलब आगे क्या पीछे चलो, अब देखो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे मार्केट जैसे 9 तारीख को ओपन हो रहा है, 9:15 में ही आपको ट्रेड मिल गया, 9:15 में ट्रेड मिलने के बाद आपको ये वाला ट्रेड अगर आप लेने जा रहे हो, इसको अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको, तो आप ये टाइम देखना,
जो मैं हमेशा ये फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों को ये पैटर्न ड्रॉ करके ऐसे बताया करता हूँ। यहाँ पे आप इस कैंडल का टाइम देखो, ये इसका टाइम देखो 10:15, और वहाँ पे भी ये वाली कैंडल का 10:20 पे ये बनी हुई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड जो अगर आपने यहीं पे ट्रेड लिया तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेड में बने रहते तो आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिलता है। चलो ठीक है, आपने ये वाला मिस कर दिया, आपने अगर ये वाला ले लिया, ये वाला ट्रेड ले लिया, तो आप ये देखो वो भी लगभग उसी टाइम फ्रेम में चल रही है। उसका टाइमिंग देखो इस कैंडल का 11 बजे, ठीक है। तो अब और बैक टेस्टिंग कराता हूँ आपको, थोड़ा पीछे और चलता हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे आया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप में से था, तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और आप देखो, हाँ लगा देंगे, मम्मा से लगवा लो। देखिए ये हमारा 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, आप अगर इस लेवल को इस तरह ड्रॉ कर लेते हो तो हमारी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू देख के चलो तो हमारा ट्रेड इस कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारा जो 3:30 फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा इस कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि 10:30 बजे की कैंडल है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि इस टाइम के बीच में मूवमेंट होती है। और पीछे चलो आप, और पीछे चलो आप, तो देखो यहाँ पे ये कैंडल बनी 10 बजे की, ठीक है। आपका मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन होके थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा आपका ट्रेड इस कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो भी आपका यहीं, एक तो पहली बात तो ट्रेड आपका यहीं एग्जीक्यूट हो जाता है, वो अलग बात है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट होने की बात कर रहा हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा और मार्केट नीचे डाउनफॉल यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ा सा आपको वेट ज़रूर करना पड़ा। लेकिन आप डाउनफॉल देखिए और टाइमिंग देखिए, यहाँ से गिरना जो जो सेटअप बन रहा है ना हमारा, वो आप देखो कितने मिनट की कैंडल है, 10:15 की है ना, इसी कैंडल के लगभग। अब और पीछे चलो आप, तो अगर इस दिन में देखें हम यहाँ पे, तो ये वाली जो डाउनफॉल हमारा मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको जैसे ही क्रॉस करता है तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ तो इस कैंडल में हमारा टाइम क्या था, 10:30, ठीक। तो अगर इसी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लें, अब देखो आप, ये तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो आप, जितना पीछे आप जाते जाओगे आपको टाइमिंग वही मिलेगी। ये आप देखो ये कितने बजे की, यहाँ से डाउन हुआ तो यहाँ से आपको 10:30 बजे का टाइम मिला। अब अगर पिछले दिन का देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप, ये 9:35 यहाँ पे 10 हुआ, फिर ये यहाँ पे जो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है 10:15 10:20। अब यहाँ पे देखो आप, मतलब लगभग लगभग जो मैंने डायरी में नोट किया था, अपने ग्रुप में डाला था कि, और अपने मेंबर्स को ये भी बोला था कि आप लोग चेक कीजिए और बताइएगा कि क्या ये सही है कि नहीं है, बट हमारे मेंबर्स जो टीम मेंबर्स हैं वो महान हैं, उनको समय नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए। मैं कुछ ना कुछ चार्ट में देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहती है, इसलिए मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने बता दिया। आप लोग भी एक बार बैक टेस्ट करें, जो सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करें और समझें। अगर आप ये चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो आप अगर फाइंड आउट कर लेते हो, समझ जाते हो, तो अच्छा रहेगा, ट्रेड पकड़ने में और आसानी होगी। अलते भलते ट्रेड मत लीजिए, जहाँ पे हमारा सेटअप बने वहाँ पे हम ट्रेड बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक बना था। अलग बात है रनिंग मार्केट में कई बार वो होता है। और आज तो मैं अपनी बात बताऊँ कि ये वाला जो ट्रेड मिस हो गया मेरे से, सुबह का दो ट्रेड मिस हुए एक्चुअली। ये टाइम जो सुबह का टाइम होता है मेरे लिए बहुत ख़तरनाक टाइम होता है, क्योंकि सेम टाइम में आप देखो ये कैंडल बनी 10 बजे की, आज की कैंडल मैं बता रहा हूँ, ये 10 बजे की कैंडल बनी है
और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले टाइम फ्रेम का जो बताया, 10 बजे की ये कैंडल बनी, एक ट्रेड मेरे से ये मिस हुआ। अब ये ट्रेड क्यों मिस हुआ भैया? मार्केट यहाँ ओपन हुआ या नीचे आया और इसके लेवल को जैसे क्रॉस करता है तो हमारा ट्रेड इसी कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाता है और ये यहाँ तक अच्छा खासा मूवमेंट दे के जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक, अब जिसने जिसने भी इसको इस कैंडल में पकड़ लिया होगा, इस कैंडल में 10:15 वाली कैंडल में, तो ये उसको बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छा मतलब सीधे सीधे 2 गुना 3 गुना हो गया होगा पैसा यहाँ पे जितना भी लगाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मोमेंट मिला और एक तरफा मिला, यहाँ पे कोई डरने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अब मेरे साथ अभी पिछले कई दिनों से क्या हो रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेड एक्सिक्यूट होता है यही 10 बजे समथिंग, तो 10 बजे से लेके 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम होता है। बीच में कुछ पूजा पाठ वगैरह भी चलती रहती है ऑफिस के मंदिर में, तो ये 1 घंटे मेरा गैप हो जाता है। और अभी आजकल मैं देख पा रहा हूँ पिछले 10 से 15 दिन हो गए हैं, 10-15 दिनों का जो बैक टेस्ट करा मैंने, 10-15 दिनों से ऑब्जर्व भी करा है कि ये मार्केट जो मूवमेंट देता है वो इसी टाइम में देता है, 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में ही एक अच्छा ट्रेड देता है, बाकी टाइम में ये ऐसे साइडवेज टाइप में से होता रहता है, ये घसर पिचर करता रहता है। तो इस तरह के ट्रेड लेने में मज़ा नहीं आता है, और जब एक अच्छा मोमेंट मिस हो जाता है ना तो थोड़ा सा मन में वो भी हो जाता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, मैं ऐसा वो नहीं करता हूँ कि मैं, मेरे मन में हमेशा ये चलता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेड बनेगा, जब भी सेटअप बनेगा मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अब देखो आप, यहाँ पे एक मौका मिला, दूसरा मौका ये मिला, दोनों मौका छोड़ दिया मैंने, मतलब छूट गया मुझसे क्योंकि मैं टाइम पे था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, तो फिर ट्रेड लेने की कोई ना लेने की लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद जब मैं 11 बजे यहाँ पे 11 बजे यहाँ पे ऑफिस पहुँचा तो ये घचर पिचर वहीं वहीं साइडवेज होता रहा। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजी थोड़ा सा बिगड़ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा इच्छा हुई थी मेरी यहाँ पे ट्रेड लेने की, लेकिन यहाँ पर भी किसी रीज़न से ऑफिस के वर्क की वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक लेबल दिया था, ये जो कैंडल नीचे जा रही थी, मैंने शायद यहाँ पे बताया था कि 44,488 के नीचे निकलेगा, ये मैंने अपने टीम मेंबर्स को दिया था, ये लेवल दिया था कि इसके नीचे निकलेगा तो ये थोड़ा सा मूवमेंट देगा। और ये फिर मूवमेंट हमारा गया था यहाँ तक, मतलब 44,420 तक, मतलब आपको 68 पॉइंट का मूवमेंट मिला था यहाँ पे। तो जिन्होंने भी लिया होगा, टाइम भी देखिए, टाइम थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा था, ये टाइम हो रहा था 2 बजने वाली थी, तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम का वो हो रहा था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब वोलेटाइल मार्केट हो चुका था। जब भी इस ये 2 बजे के लगभग एक्सपायरी के दिन प्रीमियम पहुँचता है तो उसमें मोमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा खासा मैं देख रहा था, फिर भी मैं ले नहीं पाया क्योंकि ये जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने लेवल तो दे दिया। लेवल देने के बाद थोड़ा सा एक 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा किसी ने मुझे आवाज़ दे दी तो मैं उनसे बात करने लगा, और जब भी ये मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, इसलिए ये ट्रेड भी मिस हो गया था। फिर मैंने एक छोटा सा ट्रेड मारने की कोशिश करी थी यहाँ कहीं पर मैंने थोड़ा सा, जब मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से नीचे गिरे, लेकिन जब वो ऊपर गया तो मुझे लगा कि कहीं लॉस ना कर दे। इस चक्कर में फिर क्या हुआ कि जब जो ट्रेड मैंने यहाँ पे मारा था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जब थोड़ा सा एक कैंडल नीचे आ गई तो मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब आप सोच सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, और आज के जैसे प्रॉफिट नहीं हुआ। इतनी छोटी मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट मारा और यहाँ पे ये कैंडल जब ऊपर गई तब मुझे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ा, और होल्ड करके ये जब नीचे आया तब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, और फिर मैं एग्जिट हो गया क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ पे आज मार्केट का जो पूरा सेंटिमेंटल है ना वो पूरा हमारा साइडवेज हो रहा है। अगर अब चूंकि 2 बजे के बाद की ये कैंडल है तो यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि मार्केट जब भी कभी इस तरह का स्टे करने लगता है वहीं वहीं साइडवेज हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी जो हमारा प्रीमियम होता है वो ऑटोमेटिकली डीके हो जाता है, बहुत तेज़ी से डीके होता है। तो मैं लॉस नहीं लेना चाह रहा था और मैंने लॉस लिया भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था। आप सभी लोगों को बस यही चीज़ें बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप ट्रेड लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।